Hello friends, Jagdeep Bedi here from Shades International, a cluster of art and craft. आज हम ईस्टर क्राफ्ट में कार्डबोर्ड शीट से एग काटकर उस पर फ्लावर वाला पेपर पेस्ट करके और उस पर स्टोन वाले फ्लावर पेस्ट करके डिफरेंट बनाएंगे. करते हैं स्टार्ट. इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड शीट लिया. आपके घर में भी होगी कोई पुराना कॉपी या गत्ता कोई भी हो कार्डबोर्ड शीट, उस पर आप इस तरह से एग ड्रॉ करके इस तरह से एग काट लें और फिर इस तरह से कोई फ्लावर वाला पेपर ले लें और उसको इस तरह से रखकर आधा इंची या एक इंची बड़ा पीस काट लें और एक पीस उसके अंदर का छोटा काट लें, ज़्यादा आधा इंची छोटा हो. इस तरह से ये मैंने दोनों काट कर रखे हैं. ये देखिए, ये मैंने दोनों काट कर रखे हैं. अब मैं नीचे वाले पेपर को पेस्ट कर रही हूँ. थोड़ा सा मैंने कर दिया, बाकी आपके सामने कर देती हूँ. देखिए, इस तरह से ग्लू लगा कर आप ये पूरा पेपर इस तरह से पेस्ट कर दें. देखें, इस तरह से पेस्ट कर देंगे, इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा. अब हमने इसके ऊपर के पेपर को भी थोड़ा आधा इंची जो छोटा काटा है उसके ऊपर मैंने फ्लावर वाले स्टोन लगाए हैं. आप देख सकते हैं ये फ्लावर वाले स्टोन है तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. जब ये इस तरह से प्रॉप लगाते हैं हम तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. देखें, इसमें जो स्टोन है ये प्लेन है तो प्लेन और इसमें डेकोरेशन में थोड़ा फर्क है. ये थोड़े डिफरेंट लगते हैं क्योंकि इसमें फ्लावर वाले स्टोन हमने लगाए हैं सेंटर में. इसे मैं पेस्ट करती हूँ और वो आगे की तरफ मैं आपके सामने लगाती हूँ. ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इसे पेस्ट कर दें आप. देखिए, इस तरह से आप इसे पूरा पेस्ट कर दें. इस तरह से पूरा पेस्ट हो जाएगा. अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो मैं ये ग्लू ले लेती हूँ. ग्लू लेकर लगाती हूँ. ये देखिए, ये यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने स्टोन लगाना है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी ग्लू पेस्ट कर दें. ग्लू में ये होता है कि जल्दी से सूखती नहीं है और आप आराम से अपनी कोई भी चीज़ आप पेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए, हमारे पास इतने ही है ये सेंटर पॉइंट, तो इतने में हमने ये लगाना है. ये मेरे पास स्टोन स्टिकर भी है वैसे तो. ये तो ये देखिए, हम रेड के ऊपर, जैसे इसके ऊपर रेड लगा सकते हैं, इसके ऊपर पिंक लगा सकते हैं, इस तरह से ये रेड लगा सकते हैं. यहाँ नीचे का कलर भी दिखाई देता है, अच्छा लगता है. ये देखिए, आप मल्टी कलर का लगा सकते हैं आराम से. ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. यहाँ भी लगा देते हैं. देखें कितना सुंदर लग रहा है. देखें, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. बिल्कुल ये फ्लावर्स लगा दिए हमने तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया. देखें, बिल्कुल सुंदर हो गया. ज़्यादा भी नहीं हमने कुछ करा और ये बहुत डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ पर इस तरह से बीच में दो जगह इकट्ठा लगाएंगे इस तरह के दो स्टिक. इसको थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे. प्रॉप बनाने जा रहे हैं गार्डन या लॉन के लिए प्रॉप. इस तरह से हमने ये लगा दिया. ये देखिए, इस तरह से प्रॉप लगा दे, दोनों दो स्टिक लगा दे और यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाते हुए आप एक इसी तरह का पेपर इसके आसपास चिपका दें इस तरह से. ये ताकि सपोर्ट भी हो जाए और अच्छा भी लगेगा. तो ये देखिए, ये इस तरह से हो गया. तो आपने देखा कितनी जल्दी ये प्रॉप बन गया, एग प्रॉप गार्डन या लॉन के लिए. बहुत सुंदर बना है. देखें, खाली स्टोन लगाए मैंने, फ्लावर लगाए हैं स्टोन वाले. फ्लावर वाले पेपर के सेंटर में जितने फ्लावर हैं सब में मैंने फ्लावर वाले स्टोन लगा दिए हैं. गुड लक, आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं.